नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 21 जून 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 5:24 पर, सूर्यास्त होगा 7:22 पर, तिथि है एकादशी, नक्षत्र है स्वाति, योग है शिव, सूर्य राशि मिथुन, चंद्र राशि तुला, अभिजीत मुहूर्त 11:55 एम से लेकर 12:51 पीएम तक, राहु काल है 7:10 एम से लेकर 8:53 एम तक। तो राहु काल में रखिए सावधानी, शुभ समय में करिए, अभिजीत समय में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम। आज आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज निर्जला एकादशी का पर्व है, आज के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से विशेष लाभ होता है। आज निर्जला एकादशी सारी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी वाले दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है तो उसको सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। आज के दिन आप यथासंभव चीजों का दान करें, आज के दिन यथासंभव आप गरीबों को या किसी को भी, गरीब हो या अमीर हो, किसी को भी पानी पिलाएं, प्याऊ लगाएं, घड़े का दान करें, पंखे का दान करें, चप्पल का दान करें। और आज के दिन अगर आप जो भी लोग हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये L11 का जो ब्रेसलेट है, मैं इसको एक दिन और आपको बढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कारण है, वरना इसकी स्कीम संडे को हमने बंद कर दी थी। ये इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि जो L11 का ब्रेसलेट है इसमें शिव है, इसमें लक्ष्मी है, इसमें लाजवर्द का पत्थर है। आज के दिन अगर आप इसको खरीदते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने पिछले दिनों में खरीदा उनको लाभ नहीं होगा, उनको बहुत लाभ होगा, लेकिन आज का जो विशेष दिन है, जो लोग इसको आज खरीदेंगे उनको कुछ ज्यादा ही लाभ होगा। और आज के दिन एक अच्छी चीज को खरीदना, शिव को खरीदना, यानी शिव के रुद्राक्ष को खरीदना, उनको अपने घर में लाना, उनके लिए उनकी उनको अपने घर में स्थान देना है, अपने शरीर में उसके ब्रेसलेट को पहनना बहुत ही शुभकारी है, लाभकारी है। जिन लोगों को ये ब्रेसलेट मिल गया है वो लोग विधि विधान से आज निर्जला एकादशी वाले दिन पहन सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक बुकिंग नहीं कराई है तो एक आखिरी मौका और समझ लीजिए आपके पास है इस ब्रेसलेट को खरीदने का। तो आज अभी वीडियो देखते ही L11 लिखकर व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें और अपने लिए एक शुभ चीज शुभ वक्त में शुभ दिन खरीद कर जीवन में खुशियां ही खुशियां ले आए। तो बाकी इसके लाभ इतने हैं कि मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसको पहनकर तरक्की पाएंगे। और सबसे विशेष बात यह है कि इसके साथ जो मैं 5 चीजें आपको अलग से दे रहा हूं, जिसको आप घर में अपने मंदिर में रखेंगे, अपनी फैक्ट्री में, अपने व्यवसाय वाले स्थल पर रखेंगे, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा डबल तरीके से होगी। तो इसको पहनिए, इसको लाभ उठाइए, जीवन के हर कष्ट को मिटाइए और हर प्रकार की परेशानी, चाहे वो शनि की हो, चाहे भूत की हो, चाहे प्रेत की हो, चाहे जादू की हो, या टोने की हो, किसी का बच्चा कमजोर है, किसी का पति का दिमाग कमजोर है, कोई बिजनेस में हानि कर रहा है, कोई व्यापार में अच्छा नहीं कर पा रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई नौकरी में बार बार असफल हो जा रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा, बचा नहीं पा रहा है, शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए लेकिन सुख नहीं है, माता पिता का सुख नहीं है, पति पत्नी का सुख नहीं है, घर का सुख नहीं है, वाहन का सुख नहीं है, अनेक प्रकार की समस्याओं को खत्म करने की ताकत रखता है ये शक्ति कवच। L11 लिखकर व्हाट्सएप करें और आज के शुभ दिन एक शुभ काम करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। बृहस्पति यानी गुरु और मंगल की युति लग्न में हो जाए। लग्न देखिए कुंडली का पहला भाव होता है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, गुरु और मंगल, इसको लग्न बोलते हैं। साइड में ये आपके कुंडली दिखाई पड़ रही है, फिर से आपको रिपीट करता हूं, बृहस्पति यानी गुरु और मंगल की युति अगर लग्न में हो तो जातक धनवान होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बुध अगर सप्तम भाव में हो, ये देखिए फिर कुंडली आ गई, लग्न में क्या बैठा हुआ है, बृहस्पति और मंगल यानी गुरु और मंगल, अब यहां पर बुध भी आके बैठ गया।
अब अगर यहां पे बुध बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति धनवान तो हो जाएगा, पैसा तो कमाएगा, लेकिन पैसे को टिका नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा आएगा, एक तरफ से आएगा, एक तरफ से चला जाएगा। या ऐसा व्यक्ति कई बार काम कर लेता है, पैसा नहीं आता है या रुक रुक के आता है। तो यहां पर बुध जो है सब पैसे को नष्ट कर देता है, यानी कि अनलकी बना देता है। इसका क्या उपाय होगा, अगर आपकी कुंडली में है तो आप संपर्क करिए, फिर हम आपको इसका उपाय भी बताएंगे। तो ज्योतिष का एक नियम है कि मंगल और बृहस्पति अगर लग्न में बैठे हों, मजबूत हों, अच्छी राशि में बैठे हों, मित्र राशि में बैठे हों, बुरे ग्रहों से दृष्ट ना हो, तो फिर आपके वारे न्यारे हैं पैसों के मामले में, धन दौलत के मामले में। और अगर मान लीजिए कमजोर भी हैं तो भी आपको इतना अमीर बना देंगे कि आप अपने आप को धनवान समझेंगे। लेकिन बुध अगर सप्तम भाव में बैठ गया तो फिर स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी, अपनी जन्म कुंडली को जांचिए। ऐसी स्थिति वर्ष फल में भी हो सकती है और आपकी जन्म के समय की कुंडली में भी हो सकती है। बाकी अगर आपको आपकी कुंडली देखनी नहीं आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं अब आपकी राशि के बारे में, आपकी राशि के लिए सितारे क्या कहते हैं आज 21 जून को। बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपकी कड़ी मेहनत का दिन है, आपको काफी मेहनत करने के बाद ही सफलता प्राप्त होगी। छोटे भाई बहन से रिश्ते बेहतर होंगे, परिवार के लोगों के साथ अच्छा बातचीत होगी, उठना बैठना होगा, बढ़िया खुश मिजाज होंगे आप, अच्छी खुशियां प्राप्त होंगी, प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, व्यापार में अच्छा कमाने का दिन है, पैसा निवेश करके व्यापार को बढ़ाने का दिन है। आपकी दवा आप वक्त पर लेते रहें, कोई अगर दवा दारू आप पीते हैं या खाते हैं, दारू से मतलब है दवा दारू, शराब वगैरह मत पीजिएगा। आपकी सलाह से लोगों के काम बन जाएंगे, यात्रा संभव है। धन के मामले में किसी पर भी भरोसा ना करें, गणेश जी की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और L11 लिखकर आज एक अच्छा काम करें, क्योंकि विशेष दिन विशेष चीजें खरीदने से विशेष लाभ मिलता है। L11 लिखें और इस ब्रेसलेट से अपना सौभाग्य चमकाएं। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए। शुक्र को मजबूत करने का एक और उपाय है, ये देखिए स्क्रीन पर एक आपके सामने एक चमकती हुई चीज है, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड। तो हम इस डायमंड की अंगूठी या गले में, देखिए ये अंगूठी है आपके सामने, आपको दिखाई पड़ रही है, और ये देखिए गले का लॉकेट है, इसको अगर हम पहन लें तो इससे भी शुक्र को मजबूत किया जा सकता है। ये जो अंगूठी है, ये जो लॉकेट है, ये डायमंड का उपरत्न है। डायमंड जैसा दिखता है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप में से जो भी लोग अपने शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, यानी प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो D1, D फॉर डायमंड, देखिए स्क्रीन पर लिखा है D1 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और ये लॉकेट या अंगूठी के रूप में जो भी आपको चाहिए ये आपको मिल जाएगा, आपके घर भेज दिया जाएगा। आपके नाम से आप इसी प्राण प्रतिष्ठा होगी और आपके जीवन में खुशियां लेकर जरूर आएगा। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली दिखाकर पहले जांच करा लें उसके बाद में, या आप वैसे भी ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा करती है तो। D1 लिखकर व्हाट्सएप करें और इस अंगूठी को या इस लॉकेट को अपने गले में पहने या उंगली में पहने, तो फिर देखिए जीवन में शुक्र की कृपा किस प्रकार से बरसेगी और आप जीवन में अनेक खुशियां पाएंगे। इसकी जो कीमत है वो 2,300 रुपये है, तो 2,300 रुपये में ये आपको मिल जाएगी और ये प्योर सिल्वर में बनी होगी और इसके साथ में आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आप D1 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।